हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना, रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सब पेरेंट्स इतना अथर्वा को दिल से प्यार करते हो, दिल से इतना दुआ किया अथर्वा के लिए, इतना सपोर्ट किया अथर्वा को, दिल से आप लोग दुआ किया, इसलिए अथर्वा की हेल्थ थोड़ा सा पहले से बेटर है, उसको तबीयत थोड़ा पहले से ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही दिल से प्यार करते रहिए और अथर्वा को ऐसे ही उसके लिए दुआ करते रहिए कि मेरा बच्चा बहुत ही जल्दी ठीक होके जल्दी से हॉस्पिटल से घर जाए, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, बहुत परेशान हो रहा है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ, 11 ईयर्स में मतलब 11 साल में अथर्वा क्या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे हॉस्पिटल में देने लगा है, तो वो देख के कभी कभी ऐसे लगता है हमारा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो अथर्वा की 11 साल पूरा हो गया 12 अक्टूबर को, और आज 7 नवंबर है, तो इसके अंदर अथर्वा क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिया है और कितना इम्प्रूवमेंट किया अथर्वा, कितना कुछ सीखा मैंने अथर्वा से हॉस्पिटल आके, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अथर्वा को 11 ईयर्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है मेरा बच्चा बीमारी के टाइम पर भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमारे बच्चों से। तो अभी क्या हुआ, अथर्वा जैसे उसको बेड पे चढ़ना है तो बेड थोड़ा सा ऊंचा है, तो वो कैसे चढ़े बेड पे, तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत है, पहले की बात होता तो मुझे बताना पड़ता। अभी अथर्वा बड़ा हो गया तो मैं खुद से उसको बेड पे उठा नहीं पाती हूँ, तो वो क्या करता है, साइड में अगर कुर्सी हो तो बोलता है मामा कुर्सी दे दो, तो मैं बोलती हूँ क्या करना है, बोलता है कुर्सी में पैर रखे मुझे बेड पे चढ़ना है। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट तो अथर्वा ये दिया है, मैं इतना खुश हो गया जो उसको दिमाग में अभी प्लानिंग करना भी आ गया। पहले तो ऐसे था, हर एक चीज़ 2 साल 3 साल 4 साल सिखाना पड़ता था, अभी खुद से उसको पता है जो मामा उठा नहीं सकता है, तो वो उतना ऊँचा पे कैसे उठे, तो पैर पे कुर्सी पे सपोर्ट करके फिर उसके ऊपर चढ़ता है। दूसरा और एक जो इम्प्रूवमेंट है, जैसे उसको बेड पे ऐसे करके चढ़ गया, बेड का एक साइड में चढ़ाए, तो उसको पिलो तक कैसे जाना है, तो पिलो तक ऐसे पीठ पर लेट के पैर बैंड करके, जैसे पीठ पर लेट गया और दोनों पैर ऐसे बैंड कर लिया और खिसका के पीछे की तरफ खिसका के पिलो पे, पिलो की तरफ ऐसे खिसका के जाता है, खिसका के जाके फिर पिलो पे सिर रखता है। उसके बाद फिर बेड शीट कवर करने लग गई अभी अथर्वा, खुद से बेड शीट जो होता है वो कवर करने लग गई, तो एक हाथ से कवर करता है, दूसरा हाथ में उसको नीडल घुसा हुआ है और बाकी मुझे बोलता है जो मामा आप कर दो। तो मुझे लगता है उसको दोनों हाथ ही अगर खाली हो तो खुद से बेड शीट कवर कर लेगा घर जाके। तो ये इम्प्रूवमेंट अथर्वा दे रहा है। और सबसे जो बेस्ट इम्प्रूवमेंट है अथर्वा, ट्रीटमेंट रूम पे आके खुद से, मतलब उसका जो रूम है जहाँ पर वो अभी हॉस्पिटल में है, वहाँ से आके रूम नंबर से जो ट्रीटमेंट रूम है जहाँ पर ब्लड सैंपल लिया जाता है, वो आता है आके खुद ही सिस्टर लोगों के साथ अंदर जाके वो ब्लड दे के आता है। मैं सिस्टर लोगों से पूछती हूँ अथर्वा परेशान करता है, तंग करता है या रोता है, बोलता है नहीं रोता है। तो इतना खुशी की बात है जो अथर्वा मेरे बगैर, पहले तो मैं लैब में पिछले साल टेस्ट किया था तो मैं पास में थी, अभी मेरे बगैर ही वो कर लेता है। और मैं उसको समझाती हूँ बेटा ये करना पड़ेगा, तो आपको ठीक होना है, बहुत जल्दी घर जाना है, तो ब्लड लेना है, तो ऐसे अभी कर रहा है अथर्वा, अंदर जाके खुद ही सैंपल दे रहा है। और एक आज का जो बात है, बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट मैंने देखा, वो मेरे से पूछ रहा है, उसको इको करना था हार्ट की, तो इको करने के लिए उसको अलग से रूम पे लेके गया, और जब डॉक्टर ने बोला इको करना है तो मेरे से पूछ रहा है मामा इको क्या है, तो मैंने बोला तुम्हारा पेट में जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी किया, तो अल्ट्रासोनोग्राफी भी खुद ही किया, मैं थोड़ा दूर खड़ा थी, उसको बेड के पास ही अल्ट्रासोनोग्राफी का मशीन लेकर मैं दूर खड़ा थी, कर लिया। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था इको करने भी अपने आप रूम पे चला जाएगा और मेरे बगैर मैं बाहर वेट करूँगी वो करके आएगा। तो पूछा इको क्या होता है, मैंने बोला जैसे आपका पेट में अल्ट्रासोनोग्राफी किया ऐसे आपका हार्ट में इको करेगा, ऐसे अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। तो जब उसको नाम आया और उसको व्हील चेयर में करके लेके गया, क्योंकि इतना वीकनेस है जो चल के नहीं जा पाता है, तो उसको लेके गया, काफ़ी दूर टेस्ट का लैब है, हॉस्पिटल के अंदर ही है, वो ए ब्लॉक में है और अथर्वा बी ब्लॉक में है। तो उसमें जाके हुआ वेट किया अथर्वा और पूछते रही, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे बच्चा पूछते रही मामा मेरा नंबर कब आएगा, ये मैंने सिखाया नहीं। तो ये मतलब एक आध बातें जो होता है अथर्वा बिना सीख के अभी मुझे मेरे से पूछने लग गई, तो ये मेरे सपनों से भी बाहर है, मैं कभी कल्पना मतलब सोच भी नहीं सकती थी जो मेरे बच्चा खुद से कभी कुछ पूछेगा जिसके बारे में उसको नहीं पता, जो मैंने नहीं सिखाया, जिसका आइडिया मैंने नहीं दिया।
तो मैंने फिर उसको इशारा करके बोला, देखो आपके आगे कितने लोग हैं, तो काउंटिंग करके बताया बैठ के। तो मैंने बोला उनका हो जाएगा, उसके बाद आपका टर्न आएगा। तो जब अथर्वा दास ऐसे करके बोला, वो व्हील चेयर से उठ के, दरजा पे व्हील चेयर खड़ा हुआ था, उठ के गया और वह अंदर जाके उस इको करके कम से कम 20 मिनट लगा इको करके आया। और जब बाहर आया तब मैंने छोटा सा एक क्लिक भी बनाया। और जब बाहर आया, अंदर जो एक सिस्टर रहता है उनसे मैंने पूछा कि अथर्वा अंदर परेशान किया था, बोल रहा है नहीं, आपका बच्चा इतना अच्छा स्माइल करता है, पूछो ही मत, जितना टाइम अंदर थी इतना अच्छा से स्माइल दिया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी है, परेशानी में भी मेरा बच्चा इम्प्रूवमेंट दे रहा है, सीख रहा है कुछ, वो भी सीख रहा है, मैं भी कुछ सीख रही हूँ। मैं ये सीख रही हूँ जो पीछे नहीं हटना है, हिम्मत नहीं हारना है, हमें चलते रहना है, बात चलते रहो एक टाइम के बाद मंजिल मिल जाता है। तो अथर्वा के साथ चलते चलते मैं थक जाती थी, फिर गिर जाती थी, फिर उठ के फिर मैं काम करती थी। ऐसे है चलना, हमारा चलना है मेहनत करना, काम करना, हमारा चलना ये नहीं है रोड में चलते रहे। तो ऐसे करके हम कभी हिम्मत नहीं हारा, कभी थका नहीं, कभी बैठा नहीं, अथर्वा के साथ करते रहे। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट दे रहा है। और जब टीचर लोग उसको इंजेक्शन देने आता है, सॉरी टीचर नहीं, जब सिस्टर लोग उसको इंजेक्शन देने आता है, तब अथर्वा पूछता है क्या करोगे। तो ये भी मैं मतलब उसको ये सिखाया नहीं। तो मतलब सिस्टर लोग कहता है अभी क्या करूँगी, रोज़ क्या करती हूँ, बोलता है इंजेक्शन लगाती हूँ। तो बोलता है वही करूँगी, दर्द होता है, दर्द होगा, वो पूछता है खुद ही दर्द होगा। फिर सिस्टर लोग कहता है दर्द होता है आपको, बोल रहा है हाँ होता है, तो होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके मतलब सिस्टर लोगों से भी पूछता रहता है। फिर जब ग्लूकोज चढ़ता है उस टाइम जैसे जैसे कहता है अथर्वा हाथ को नीचे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, तो वो ऐसे करके रख लेता है। तो मतलब अभी अथर्वा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना हाइपर है, ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल बच्चा। जैसे हॉस्पिटल में सारे सिस्टर लोगों को मैंने बताया मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, तो सब लोग कहते हैं कहाँ पता ही नहीं लगता है, तो आप शायद झूठ बोल रहे हो। तो मतलब उनको पता भी नहीं लगता है, मैं जब बोलती हूँ तो उन लोग हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी एक नॉर्मल बच्चा जैसे ट्रीट करना अथर्वा को आ गया। को भी आई कॉन्टैक्ट लॉस्ट नहीं हो रहा है मेरे बच्चे को, को भी ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है जो वो एक ऑटिज्म बच्चा था या है, उसमें अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, एकदम बिल्कुल शांत, एकदम आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर, सिस्टर लोगों से बात करना, पूछना, खुद ही पूछता रहता है और खुद ही बोलता रहता है मम्मा कब जाएंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। फिर जो खाना देने आता है उसको ऐसे उसको कहता है, क्योंकि उसको खाने का मन नहीं होता है तो इसलिए कहता है, हॉस्पिटल में जो खाना देता है उसको कहता है कितना गंदा खाना बनाते हो आप। तो मैं तो हंस पड़ी, मतलब इतना दुख के अंदर भी मुझे कभी कभी अथर्वा हंसाता है। तो अथर्वा को देख के रोती भी हूँ, अथर्वा हंसाता भी है, बोलता है इतना गंदा खाना क्यों बनाते हो, अच्छा नहीं लगता है, इससे तो मेरा मामा अच्छा खाना बनाता है। तो ऐसे अथर्वा भी बोलने लग गई। पहले जैसे आप लोग पूछते थे ना अथर्वा क्या कम्युनिकेशन करता है, पहले अथर्वा कैसे था, जो बात पूछा जाए उसके आंसर दे सकता है। अभी हॉस्पिटल में मतलब कहता है ना लोग, जो जब सिचुएशन बहुत मुश्किल आता है तब भी लोग सीखता है, जब धक्का लगता है, चोट लगता है, तब भी लोग गिरता है, गिर के फिर उठता है, दिमाग भी तब खुलता है। अभी यहाँ पर आके उसको इतना इंजेक्शन लग रहा है, इतना सुई घुस रहा है, तो मुझे लगता है उस परेशानी में, उस प्रॉब्लम झेल के अथर्वा अभी पूछने लग गए सबसे, मैं ये क्यों हो रहा है, कि क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, तो इंजेक्शन देने से पेन होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट रूम पे क्यों लेके जा रहे हो। तो मुझे लगता है जब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तब भी लोगों को सीखने के कुछ मिलता है। तो जो अथर्वा अभी सीख रहा है ये सब कुछ मैं नहीं सिखा रही हूँ, उसको इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द, इतना तकलीफ उठा रहा है, तो उसके वजह से मुझे लगता है उसको दिमाग में भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तो खुद से अभी बोलने लग गई, पूछने लग गई। पहले मैं इतना कोशिश करती थी खुद से बोले, लोगों से पूछे, तो खुद से लोगों से पूछना और बोलने के लिए मैं कैसे कहती थी, कोई अगर अथर्वा से पूछे आप कैसे हो, तो उसके बाद अथर्वा जवाब देगा मैं ठीक हूँ, उसके बाद मुझे बोलना पड़ता था अभी आपका टर्न, तब जाके अथर्वा बोलता था आप कैसे हो। और अभी ऐसे नहीं है अथर्वा, अभी जब 11 साल पूरा हो गया अभी खुद से कभी कभार एक आध बात पूछता है, तो मतलब मेरे को पूछता है, बाहर वाले को नहीं। अभी हॉस्पिटल में सिस्टर लोगों से भी बात करने लग गई और खुद से पूछने लग गई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा
मतलब अच्छा रिजल्ट है, जो इस परेशानी में मेरा बच्चा मुझे दिया और मुझे खुशी हो रहा है जो प्रॉब्लम में भी मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है। तो अभी अथर्वा थोड़ा सा पहले से बेटर है, तो आप लोग दिल से दुआ कीजिए अथर्वा ठीक हो जाए। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना पेरेंट्स, आप लोग काम करते रहिए। 10 साल के बाद बहुत अच्छा कुछ हमारा बच्चा सीख जाता है, 11 साल के बाद और भी अच्छा सीखेगा अथर्वा, आपका बच्चा भी सीखेगा। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीखता है, ये नहीं है आप अभी 2 महीना काम शुरू कर दिया और आप थक जाएंगे, मैं तो 2 महीना थेरेपी शुरू कर दिया हमारा बच्चा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता है पेरेंट्स। काफ़ी लंबा टाइम के बाद ही हमारा बच्चा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जैसे जीना चढ़ता है ना, ऐसे 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 करके धीरे धीरे हमारा बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अभी 11 साल में अथर्वा दे रहा है, 15 साल में और भी अच्छा देगा। इसलिए जब धीरे धीरे अथर्वा बड़ा होते जाएगा और अथर्वा कितना इंडिपेंडेंटली सब कुछ करने लगेगा, तब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह पाऊँगी जे हाँ एक ऑटिज्म सीवियर बच्चा भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो अभी जहाँ तक अथर्वा है बहुत अच्छा कर रहा है, एक सीवियर बच्चा होकर जो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। सीवियर क्या, माइल्ड बच्चा भी, कोई कोई माइल्ड बच्चा है वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि पेरेंट्स मेहनत नहीं करते, इसलिए माइल्ड बच्चा भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है हमारा बच्चा माइल्ड मॉडरेट सीवियर हो कुछ भी हो, हमें बस मेहनत करके बच्चे को सब कुछ सिखाना है, हर एक चीज़ सिखाना है। तो ऐसे करते रहिए आप लोग भी, आपका बच्चा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत कुछ आपको सिखाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।